किसी दोस्त का बर्थडे है या फिर आपकी कॉलीग का शादी और आपको लास्ट मोमेंट पे याद आया तो फिर क्या करोगे, गिफ्ट आइडियाज तो आपके पास है ही, पर गिफ्ट बॉक्स भी देना चाहते हो अफोर्डेबल, आपको मैं दिखाऊंगी आज विदाउट ग्लू गिफ्ट बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो, बहुत ईजी है, आप जल्दी से जल्दी से सीख जाइए और गिफ्ट भी दे ही दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप थोड़ी देर रुकिए, वीडियो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जल्दी से जल्दी कर दीजिए ना। बस कोई भी तो पेपर हो गई, मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी और यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं देख सकते हो कि इस पेपर को मैंने थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है और उसको कट करके लिया हूँ और इस पार्ट को अब मैं फोल्ड करूँगी। तो आप देखते जाइए मैं कैसे बनाती हूँ। और गाइस मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए ना, मैं वहाँ पे भी बहुत सारे अपडेट देते रहती हूँ, वीडियो की अपडेट देते रहती हूँ, थोड़ी रील भी देती हूँ, जल्दी से वहाँ पर भी मुझे फॉलो कीजिए। तो बिल्कुल इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ। और हाँ, मैं यहाँ पे ग्लू यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो ग्लू की जगह मैं क्या यूज़ कर रही हूँ जानना चाहते हो तो देखते रहे। हाँ, यही तो है सेलो टेप से भी गिफ्ट पैक्स होता है, आपको मालूम होगा क्या। तो चलिए देखते रहिए। देखिए सेलो टिप से कितना अच्छा एक बॉक्स रेडी हो गया। सेलो टिप से बनाया हुआ है ये, मैंने तो अंदर भी फिक्स कर दे दूंगी मैं ताकि ये थोड़ी और स्ट्रांग बन जाए। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल इस तरह से हो गया। अब मैं इसकी ऊपर की लिड बनाऊंगी, ये भी बहुत आसान है, वो भी मैं सेलो टिप से ही बनाऊंगी। इस वीडियो में पूरी डेकोरेशन मैं विदाउट ग्लू के यूज़ करके ही बनाऊंगी। ठीक है, तो ये है ऊपर का जो लीड है, यहाँ पे मैं सारी मेजरमेंट दे दूंगी, कट कर लूंगी, जल्दी से जल्दी देख लीजिए। उसके बाद बिल्कुल पहले की तरह चले मैं यहाँ पे झट से मैजिक दिखाती हूँ। देखा कितना अच्छा मैजिक मैंने दिखाती हूँ, सीखना चाहोगे, चलिए दिखाती हूँ कभी। और बिल्कुल इस तरह से पिछले बार जैसे मैंने किया था। चलिए ये भी तो रेडी हो गया, इसके अंदर भी मैं सेलो टेप लगा लिया ताकि ये भी थोड़ा स्ट्रांग बन जाए। तो चलिए बॉक्स तो रेडी है, ऐसा ही दोगे क्या, थोड़ी डेकोरेशन भी तो बनता है ना। तो चलिए वो भी मैं दिखाती हूँ विदाउट ग्लू ऑफ कोर्स। तो ग्लू नहीं यूज़ करूँगी तो क्या हुआ, वाशी टेप तो है, वो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है डेकोरेट करने के लिए, आप वही यूज़ कीजिए और आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। अब इसकी बारी, इसके ऊपर मैं नॉर्मल स्केच पेन से थोड़ी दिल बना रही हूँ, इधर उधर दिल, कुछ और भी बना सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी से फ्लावर बना सकते हो तो, या फिर आप जो डिज़ाइनर पेपर मिलता है वो भी ग्लू से लगा सकते हो, पर यहाँ पर तो मैं ग्लू नहीं यूज़ कर सकती, ऐसे ऐसे पेपर मिलता है ना आप वो भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं तो अब ग्लू नहीं यूज़ कर सकती। तो इसीलिए यहाँ पर जो मैं प्रिंट पेपर जो मेरे पैर से था वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ, वो भी सेलो टेप से। देखिए डबल साइड कर लिया मैंने ऐसे, हाँ बिल्कुल इस तरह से, बहुत इजी है क्या, अच्छा लग रहा है। तो क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अच्छा नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, डिसलाइक भी तो है ना, वो भी कर दीजिए, कुछ तो करके जाइए। अब थोड़ी और डेकोरेशन की बारी, यहाँ पे आप आपकी दोस्त का नाम लिख सकते हो, कुछ मैसेज लिख सकते हो, या फिर बेस्ट विशेस लिख सकते हो, कुछ भी आपके मर्जी, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं वही कर रही हूँ फॉर यू। हाँ,
आप थोड़ी और डेकोरेशन वाशी टिप से, आप रिबन भी लगा सकते हो यहाँ पे, जूट रोप भी लगा सकते हो यहाँ पे, आपकी अपनी मर्जी जो भी लगा सकते हो, अपने दोस्त का फोटो भी लगा सकते हो यहाँ पे, पर सेलो टिप से हाँ आप गोंद भी यूज़ कर सकते हो, आपकी कोई मर्जी नहीं है, मैं तो दिखा रही हूँ। बॉक्स तो रेडी हो गया, अब गिफ्ट अंदर भी तो कुछ थोड़ी डेकोरेशन करना पड़ेगा ना। मेरे पास फिलर तो नहीं है इस वक्त, तो चलिए मैं इस तरह का जो पेपर क्राफ्ट का पेपर है वो तो इजीली मिलता है, कोई कुछ भी डेकोरेशन के हिसाब से मैं वही लेके थोड़ी डेकोरेट करने की कोशिश करूँगी और थोड़ी रुई लेके। तो आप जो देना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, मैं थोड़ी इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ, और खाली बॉक्स मत दे देना नहीं तो हो गया काम। तो इसके बाद मैं ऐसे ऐसे तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया, थोड़ी और डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक रिबन लगा रही हूँ। चलिए देखते जाइए।